ऑडियो क्रमांक 19, पुस्तक का नाम महाशक्ति की लोक यात्रा, लेखक ब्रह्मवर्चस। दो महान संकल्प। अब चलिए, मैं थोड़ा सा प्रसंग बदल रही हूँ। यह इतना बड़ा काम है, मैंने उस रोज दोनों संकल्पों के बारे में बताया था ना। हाँ बेटे, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि हमने दो संकल्प ले लिए हैं। मैं समझती हूँ कि इन्हें पूरा कराने में वही मदद करेंगे, तभी होंगे पूरे। मेरा मन ऐसा कहता है कि वे मदद जरूर करेंगे, क्योंकि जब उनका हर कार्य पूरा होता हुआ चला गया तो ये दो संकल्प भी पूरे होंगे। मैंने जो उस रोज निवेदन किया था और कहा था कि एक शानदार श्रद्धांजलि समारोह मनाएंगे, उसके लिए तुम्हारे पैरों में गति, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा साहस अब और भी डबल होना चाहिए। देखो बेटे, मेरा साहस डगमगाया नहीं है। कभी कभी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, पर रोकती हूँ। आज जब एक गीत गाया जा रहा था तो मैं अपने को नहीं रोक सकी और अंदर ही अंदर आंसू पीती रही। सामने वाला यह नहीं भाव पाया कि माताजी की आंखों में आंसू भी हो सकते हैं। क्या करे बेटे, 50 साल जिसके साथ में गुजारे उसे हम कैसे भुला सकते हैं? वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं भीतर से इतनी कड़ी और इतनी हिम्मत वाली हूँ कि मैं आंसुओं को भुला दूंगी, उन्हें पी जाऊंगी। उनका जो उद्देश्य है, जो उनका लक्ष्य है, उसके लिए तो अब हमें मर मिटना है। इसी भूमि में वे समा गए और इसी में बेटा मुझे भी समाना है। तुम लोगों का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि जब हम यहाँ शांति कुंज में आए हैं तो हमें नाक कटाकर नहीं रहना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ और है, तन में कुछ और। जो मन में है वही हमारे तन में है। तुम सब अपने मन की परिशुद्धि करना, तभी तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा समर्पण शुद्ध होगा। अभी तक तो तुम्हारा समर्पण है, आगे की तो मुझे मालूम नहीं। बेटे, आगे भी तुम इसी तरह से बने रहना, शुद्ध भावना और पवित्र समर्पण के साथ। बेटे, अब 3 महीने रह गए हैं। 3 महीने कितने होते हैं? बहुत जरा से होते हैं। दिन और रात तुम सबको श्रम करना पड़ेगा, दिन और रात एक करने पड़ेंगे, तब कहीं हम उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। चैन की नींद सोते रहे तो क्या ऐसे ही काम हो जाएगा? बेटा, ऐसे काम नहीं होगा। जरा जरा से काम में कितना समय लगता है? जो 6 यज्ञ हुए उनमें कितने लोगों ने दिन रात एक किए हैं तब सफल हुए हैं? सो भी उतने बड़े नहीं थे। यह कार्य तो कितना विशाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अंतर्राष्ट्रीय काम यों ही हो जाएगा क्या? दूसरा संकल्प स्मारक बनाने का है, तो वह भी हो जाएगा क्या? चलो, उसे तो यह भी है कि हम अपने द्वारा पूरा कर लेंगे, लेकिन यह जो श्रद्धांजलि का कार्य है, इसके लिए तो तुम्हें अपना मन और अपना तन दोनों ही समर्पण करने पड़ेंगे। इसके लिए बेटे अपनी हिम्मत, अपना साहस और अपनी भावनाएं लगानी होंगी। भावनाओं के बगैर कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता। इसके बिना हम भगवान की पूजा भी नहीं कर पाते हैं। हाथ में माला तो जरूर लगी रहेगी, पर दिमाग हमारा दूसरी तरफ लगा रहेगा। क्यों? इसलिए लगा रहेगा कि भगवान के प्रति जो हमारा उदात्त भाव, जो हमारा समर्पण, जो हमारी करुणा होनी चाहिए, वह करुणा ही नहीं पैदा हुई, तो हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे? इस तरह क्या हम भगवान के बताए रास्ते पर चल सकेंगे? हम अगर भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चल सकेंगे तो हम गुमराह होते जाएंगे। गुमराह होते ही हम पलायनवादिता की ओर चलते चले जाएंगे, जबकि उपासना, साधना और आराधना तीनों योग जीवन में अनिवार्य। उपासना भगवान के समीप बैठना, अर्थात उसमें मिल जाना, अनुभूति होना, करुणा पैदा होना या दया पैदा होना, ये सब कौन और क्या है? ये भक्ति का स्वरूप है। और दूसरा वह है जिसका मन शुद्ध, जिसके अंदर दया, करुणा और संवेदना होती है, फिर वह अपने तक सीमित नहीं रहता, वरन वह ऊंचा उठ जाता है। जिस तरीके से वाल्मीकि ने एक पक्षी के जोड़े को तिलमिलाते हुए देखा और उनकी करुणा फूट पड़ी, इसी तरह संत तुलसीदास की करुणा फूट पड़ी। ऐसे व्यक्ति ही जनमानस के लिए समर्पित होता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। साधना माने अपने जीवन को ऊंचा उठाना, अपने को साधक बनाना, ताकि वह जनसेवा कर सके। जनसेवा हमारा मुख्य ध्येय है, इसीलिए तो गुरु जी आए। सारी जिंदगी उन्होंने यही तो किया था। बेटे, जितनी उन्होंने उपासना की उससे कम उपासना कलम की नहीं की, और उससे कम उपासना उन्होंने समाज की नहीं की। जितनी गायत्री माता के प्रति उनकी श्रद्धा थी उससे ज्यादा कलम के लिए थी, और उससे भी ज्यादा समाज सेवा के लिए थी। वे समाज को ऊंचा उठाना चाहते थे, वे समाज को, राष्ट्र को बहुत से होनहार नागरिक देना चाहते थे।
यही उनका उद्देश्य था, उनकी सारी जिंदगी इसी में लग गई। यह कौन सा कार्य है? यही साधना है। आराधना समाज सेवा है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। बेटा अब हमको उपासना तो नित्य प्रति करनी ही है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वे बजाय आलस्य के चाहे तो आधा घंटा उपासना करे। मैं यह तो नहीं कहती कि सारे दिन माला लेकर तुम बैठे रहो। बैठे रहेंगे तो काम कौन करेगा। तुम चाहे तुम 15 मिनट की उपासना करो, पर ऐसे तल्लीन हो जाओ कि बस आनंद आ जाए। हमारे यहाँ अखंड ज्योति कार्यालय में एक चित्र है जो अभी भी है। गुरुजी जब उपासना में बैठते थे तो 6 घंटे यह नहीं मालूम पड़ते थे कि जाने कहाँ निकल गए। फिर सारा दिन काम करते थे। 6 घंटे तो नहीं, तुम्हारे लिए आधा घंटा ही बहुत है। आधा घंटा नित्य प्रति जब खाना खाए तो पहले उपासना कर लें, उसके बाद अपने जीवन का शोधन करें। कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, किस तरीके से अपनी इन कमियों को हम निकालें। बेटे अपनी कमियां व्यक्ति को नजर नहीं आती। जिस दिन अपनी कमियां नजर आ जाएगी तो व्यक्ति न जाने कहां से कहां पहुंच जाएगा। हम दूसरों की कमियों को देखते हैं कि अमुक में ये कमी है, अमुक में वो कमी है, पर अपने गरेवान में मुंह डालकर नहीं देखते कि हम में कितनी कमियां हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह अपनी कमियों को खोज खोज कर निकाले। दूसरों से पूछे, क्यों भाई जनाब, आज यह बताइए कि मुझसे कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ, मेरे अंदर कोई कटुता तो नहीं आई। दूसरा तुम्हारी कमियां निकाले तो उस पर खींचो मत, वरन उसको सराहो कि हमारी कोई कमी निकालने बताने वाला तो है। हमारे अंदर जो कमी है उसे निकालिए। बेटे गुरुजी का यह गुण था कि चाहे वे आर्य समाजी हो चाहे कोई और हो, उनके लिए कमियां निकालने की खुली छूट थी। गुरुजी ने कहा कि कोई कहने वाला तो है जिससे मालूम तो पड़े कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम उस कमी को निकालेंगे। उन्होंने चाहे 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, कोई बात उसके मुंह से निकली है और वह फिट बैठती है तो वे उसकी भी बात मान लेते थे। यह नहीं कहते थे कि मैं इतना बड़ा हूं और जरा सा बच्चे की बात मानूंगा, वे उसकी मानते थे। प्रभाव सिद्धांतों का पड़ेगा। बेटे अगर सिद्धांतों को हमने अपने जीवन में उतार लिया है तो फिर चाहे तुम सब छोटे छोटे से क्यों नहीं हो, तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। गांधी जी छोटे से थे, जरा से थे, लेकिन उनका प्रभाव कितना जबरदस्त था। पहले नहीं था, पहले तो वह एक मुवक्किल ने टाई पकड़ ली थी कि तुमसे बहस नहीं होती तो लाओ हमारे पैसे, और फिर क्या हुआ, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उनके आगे झुकता हुआ चला गया। उनकी एक आवाज पर लोगों ने घर छोड़ दिए, फांसी के फंदे पर लटक गए और सारे देश को आजाद कराने के लिए कटिबद्ध हो गए। कब प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तब पड़ता है जब हम अपने जीवन को उसके लायक बना लेते हैं। प्रभाव पड़ेगा? हाँ बेटे बिल्कुल पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इसी तरीके से बनता हुआ, निखरता हुआ, संभलता हुआ चला जाए। तुम लोग तो इतने बैठे हो, खचाखच हॉल भर गया है। इसमें लगभग मेरे ख्याल से 350 लोग तो बैठे ही होंगे, थोड़े बहुत कम ज्यादा होंगे। इतने लोग कि वहां जीने तक बैठने हैं, बैठे हैं। इतनी बड़ी फौज है हमारे पास। बेटे हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने सारे कार्यकर्ता हैं। औरों के पास कहाँ हैं, दो दो पांच पांच हैं, फिर भी वे इतने काम कर गुजरते हैं। हम तो जाने कहाँ कहाँ की छलांगे लगाएंगे, देखते जाइए। हम अगले दिनों सारे विश्व को हिलाकर रख देंगे। हमें अपना साहस यूं ही रखना चाहिए, फिर तो सारे विश्व को हम मत कर रख देंगे। कौन रखेगा हिम्मत? रखेंगे तो वे ही, पर साहस तुम्हारा काम करेगा। और बेटे धक्का मैं भी दूंगी तुम्हें, आगे आगे चलना तुम्हें पड़ेगा और तुम्हारी पीठ पर हाथ मैं रखूंगी, इसमें दो राय नहीं है। मैं इसी तरीके से तुम्हें छाती से लगाए रखूंगी, तुम्हें कोई भी अभाव नहीं व्यापेगा। मैं तुम्हें संभालती ही भी आई हूं। बहुत दिनों से उन्होंने यह कार्य मेरे हाथ में दे ही रखा था, तो अब मैं पीछे कदम थोड़े ही हटाऊंगी? नहीं, अब ये कदम आगे ही आगे चलेंगे, चाहे जो भी परिस्थितियां आए। वैसी परिस्थितियां कोई खराब नहीं है। अगर आप ये कहें कि गुरुजी के बाद क्या होगा, मेरे बेटे गुरुजी का शरीर ही तो चला गया लेकिन आत्मा तो उनकी यही विद्यमान है, मेरे पास भी है और सारे शांति कुंज में भी विद्यमान है। आप जैसे पहले रहते थे वैसे ही अब रहेंगे। क्यों साहब? माताजी जब आप नहीं रहेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? बेटे आपसे हमारा वायदा है कि आपके लिए कोई घाटा होने वाला नहीं है, न तो पहनने का और न खाने का, कोई भी घाटा होने वाला नहीं है। घाटा होगा तो केवल आपकी संकीर्णता का होगा। संकीर्ण आप रहेंगे, बुजदिल आप रहेंगे, कायर रहेंगे, और जो आपका पहले संकल्प था उस संकल्प को अगर आप तोड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, दो कौड़ी के हो जाएंगे।
जब हमें इसी मिट्टी में मिलना है, इसी में रहना है, इसी में मरना है, इसी में खपना है, तो हमारा मनोबल बनाए रखना चाहिए। आपके लिए बेटे हम इतना छोड़ जाएंगे, और इतना वे छोड़ गए हैं कि आपका पेट पालन होता रहेगा। भिखारी मत बनना, देवता बनना। बेटे हमारा एक भी कार्यकर्ता भिखारी नहीं है। फिर से सुन लो, हमारा कार्यकर्ता त्यागी और तपस्वी की लाइन में आता है, भिखारी की लाइन में नहीं आता। हमें उन लोगों से नफरत है जो हमारे बच्चों को भिखारी के रूप में देखे, अथवा हमारे बच्चों की मनोभूमि में ऐसी बात पैदा हो जो कि छोटे छोटे उपहारों से उनका मनोबल गिरा दे। धिक्कार है ऐसे लोगों को और धिक्कार है ऐसी मनोभूमि को। कुछ दिन पहले लंदन की एक महिला मेरे पास आई और बोली, माता जी मैं चाहती हूँ कि यहाँ सबको अमुक चीज बांट दूं। मैंने कहा, देवी नमस्कार है तेरे लिए, तू हमारे बच्चों का मनोबल मत गिरा। जो देना होगा अपने बच्चों को हम देंगे। हमने उससे उन्हें सादगी सिखाई है। हमारे बच्चे भिखारी नहीं है, हमारे पास होगा तो देंगे, अन्यथा हम नमक रोटी खिलाएंगे। हमें नहीं चाहिए तेरा साग और नहीं चाहिए तेरी मेवा मिठाई। तू ले जा और वहां कहीं देकर आ जहां कोढ़ी बैठे होंगे, तो इन कोढ़ियों को भिखारियों को बांटाना। नहीं साहब, और आश्रम में तो यही होता है, और वहां तो जो सेठ जी आते हैं सो सब कुछ बांट कुछ सो कुछ न कुछ बांटते हैं। पीछे पीछे जैसा कुत्ता लगा फिरता है ना मिठाई देखकर, इसी तरह से पीछे पीछे लोग लगे रहते हैं, उनका जयकारे बोलते हैं। नहीं बेटे, नहीं बेटी, तू वही कहीं दे आना आश्रमों में, पर यहां तू मेरे बच्चों को गिराने तो मत आना आया कर। यहां मेरे बच्चों का मनोबल तो मत गिराए। मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप कभी स्वार्थपरता में, कभी लालच में मत फंसना। बेटे कई बार हमारी मनोभूमि विचलित हो जाती है, पर संभालो, विचलित मत होने दो उसे। कई बार कुछ ऐसी चीजें देख करके मन में लुभावनापन आ जाता है, आप ऐसे मत होने देना, नहीं तो हम दूसरों की आंखों में गिर जाएंगे। जो भगवान ने हमें दिया है उसी में हम अपना संतोष व्यक्त करेंगे। बेटे आप इसी तरीके से रहना, सूक्ष्म सत्ता ही सतत मार्गदर्शन करेगी। आगे आने वाले समय में 3 महीने रह गए हैं। अब आपके पुरुषार्थ में, आपकी भावनाओं में ऐसी उमंग आनी चाहिए, ऐसी उमंग आनी चाहिए जैसे कि माताजी को आ रही है। गुरु जी कहाँ गए हैं? कहीं नहीं गए, हमारे अंदर हैं। शरीर में जब तक थे तो तुम कब मिलते थे बताना जरा, कौन मिलता था रोज रोज? कोई नहीं मिलता था, दूर से दर्शन हो जाते थे। 3 साल से तो दूर से भी उनके दर्शन नहीं हुए, फिर क्या आप शरीर को ही महत्व देंगे? शरीर को महत्व नहीं देंगे, उनकी दिव्य चेतना को महत्व देंगे, जो हमारे रग रग में समाई हुई है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है, जो हमें प्रेरणा देती है और आगे चलने के लिए जो हमारा पथ बनाती है, हमको साहस देती है, हमको बल देती है। बेटे यही बात मुझे आज तुमसे कहनी थी, और ये कहना था कि साक्षात मुझे देख जाइए, जो कि आज 15 दिन हो रहे हैं। इस बीच में भी मैंने गायत्री जयंती से लेकर और परसों बुधवार तक अपने आप को किस तरह संभाला, मैं विचलित नहीं हुई। आंखों में आंसू जरूर आए, विवल भी हुई, लेकिन कोई भी कार्य मैंने नहीं छोड़ा कि कोई यह कह दे कि भाई साहब माता जी ऐसी हो गई हैं कि बोल भी नहीं सकती। बेटे ठीक 1 घंटा बोलकर आई हूँ, वैसे 40-45 मिनट ही बोलती थी, लेकिन उस रोज मैं 1 घंटा बोलकर आई, और अभी भी मुझे 1.5 घंटा हो रहा है, जबकि 2-2.25 घंटे वहां बैठकर लोगों से मिलकर आई हूँ। जरा इस बुढ़ापे में ख्याल तो रखो, ध्यान तो दो कि क्या हालत हो रही होगी शरीर की। यहाँ सारे दिन भीड़ होती रहती है, फिर शरीर का कचूमर निकलेगा कि नहीं? निकलने दो, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है, इसमें 2 राय नहीं है। मैंने जो वायदा किया है वह मैं अब निभा करके दिखाऊंगी। बेटे आप लोगों में ने जो वायदा किया था गुरुजी से, उसे आप भी निभाइए। आप भी अपने संकल्प बल को ठीक कीजिए और अपने चिंतन को, चरित्र को ठीक कीजिए। जो भी कुचिंतन आ रहा हो उसको भी साफ कीजिए। हमारे सब बच्चे हमको बहुत प्रिय हैं, हम किसी को हटाना नहीं चाहते, किसी को भगाना नहीं चाहते, लेकिन गड़बड़ी होगी तो बेटे उस सड़े टमाटर को हम फेंक भी देंगे, इसमें 2 राय नहीं है। चाहे वह हमारा कितना ही विरोधी क्यों ना हो जाए, हमें इसकी चिंता कुछ नहीं है। हमें तो उसका बनाया हुआ यह वंश आगे फैलाना है, इसे मजबूत बनाना है और विश्वव्यापी बनाना है, इसका विश्व विस्तार करना है। इस विश्व विस्तार में आपकी क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। बस यही बात मुझे कहनी थी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।